प्यारे बच्चों, दसवीं क्लास की इंग्लिश का पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि एक पोयम के रूप में था। पोयम की दो लाइन हमने पढ़ ली थी। मैंने पहले भी बताया था कि पोयम एक सामान्य चीज नहीं होती है, सबसे टफ राइटिंग में पोयम ही है, क्योंकि इसमें लिखे कम शब्द जाते हैं पर उनका अर्थ बहुत विशाल होता है। मैंने पोयम पर रिसर्च भी किया है, इस पोयम पर नहीं किया पर पोयम पर ही मैंने थीसिस लिखी है। तो पोयम का सिस्टम होता है कि लिखा बहुत कम शब्दों में जाता है पर अर्थ उसका विशाल होता है। और एक बात और, जो व्यक्ति उसको पढ़ता है पोयम को, वो अपने ही तरीके से उसका अर्थ निकालता है। एक पोयम की अलग अलग अपेक्षाओं से कई अर्थ भी बनते हैं। अगर वो उच्च क्वालिटी की पोयम है, उसमें कई अलंकार भी होते हैं, जैसे इंग्लिश में सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि पोयम में यूज होती हैं। और अगर इनका सबका यूज पोयम में किया जाए तो पोयम बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो जाती है। ऐसी ही पोयम, बहुत प्यारी पोयम, इसको हम देखने जा रहे हैं। पर मैं इसमें आपको ये पर्सोनिफिकेशन या सिमली ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी क्लास की लेवल की बातें हैं। हम केवल क्वेश्चन आंसर, एंटोनिम सिनोनिम्स, ये चीजें देखने वाले हैं और पेयर्स को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। दो लाइन हम पढ़ चुके थे, एक बार फिर से दोहराएंगे। मेरे ख्याल से आप इस क्लास में बोलना और लिखना दोनों सीख रहे हैं, तो एक बार सुनते हैं कि पोएम को बोलना कैसे है म्यूजिक के साथ। लेट्स स्टार्ट। पोयम आपने सुनी, मेरे ख्याल से केवल सुनने से आप वर्ड्स को कैच नहीं कर। इस बार मैं आपको फिर से पोयम सुनाने जा रहा हूं। इस बार में पोयम जब चलेगी तो उसके नीचे लाइंस भी आएंगी, तो आप लाइंस को देखिएगा और वर्ड्स को कैच करिएगा, मैच करिएगा कि कौन सा शब्द लिखा आ रहा है और उसमें बोला क्या जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने पोयम सुनी, उसके वर्ड्स भी देखे, बहुत हद तक आपको अर्थ भी समझ में आया होगा। मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि पोयम में अर्थ नहीं देखा जाता है, पर आपके लेवल पर दसवीं क्लास में मैं पहले अर्थ ही बताऊंगा, फिर उसके भाव भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली लाइन, दो लाइन तो हम देख चुके थे, आप देखिएगा स्क्रीन पर, दो लाइन, इन माई हाउस विद डैन ऑन हैंड्स लाइट द लैंप ऑफ डायलॉग, इन दो लाइंस का मतलब देख चुके थे। यहां पर हाउस से मतलब हार्ट था, आत्मा थी, हमारा हृदय था, कि वो भगवान मेरे हृदय में अपने प्रेम का दीपक जला दीजिए। अब प्रेम और उसका दीपक ऐसी कोई चीज नहीं है, पर ये कवि का कहने का तरीका है। जैसे हम बोलते हैं ना कि चंद्रमुखी, तो किसी का मुख चंद्रमा जैसा नहीं होता है,
चंद्रमा की जैसे सुंदर होता है, वैसे ही दीपक क्या काम करता है, अंधकार को हटाकर प्रकाश लाता है ना। वैसे ही कहा प्रेम का दीपक भर दीजिए, जिससे मेरे जीवन की जो बुराइयां हैं, मेरे जीवन में जो कमियां हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी आपके दीपक जलाने से मेरे जीवन में। तो यही इसके भाव है, यही इसका सेंट्रल आइडिया है कि भगवान की प्रेम का दीपक जलेगा तो मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं, कष्ट हैं, कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसको किस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। दो लाइन्स हम देख चुके थे, आज की तीसरी लाइन इसका क्या मतलब है, डाय ट्रांसम्यूटिंग। डाय का मीनिंग में पहले भी बता चुका था, इट्स पजेसिव प्रोनाउन, डाय मतलब आपकी, योर, योर ट्रांसम्यूटिंग। यहां पर मैंने बताया था कि ट्रांस नहीं बोलना है, क्या है ये ट्रांस, एस नहीं बोलना है, जेड, ट्रांस, डाय ट्रांसम्यूटिंग। क्या लिखा है, डाय ट्रांसम्यूटिंग, मतलब आपका ट्रांसम्यूट जो बोलते एक वर्ब है, पर उसमें आईएनजी लग गया तो दैट इज वर्किंग एज एडजेक्टिव। आपने एक मूवी देखी होगी द बर्निंग ट्रेन, उसमें ट्रेन तो ट्रेन है और वर्ण एक वर्ब है, पर वर्ण के आगे आईएनजी लगा दो तो बन गया बर्निंग, मतलब जलती हुई ट्रेन। मतलब ट्रेन की विशेषता क्या हो गई, जलती हुई। जैसे हमने एक और उदाहरण बताया, पानी बह रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, फ्लोइंग वाटर बोलते हैं ना, बहता पानी। तो पानी की विशेषता क्या है कि बहता हुआ, तो वर्ब में आईएनजी लगाकर भी एडजेक्टिव बनता है। यही इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है, ट्रांसम्यूटिंग मतलब बदलने वाला। जैसे दीपक का काम क्या होता है, कहीं अंधेरा और वहां दीपक जाए तो क्या हो जाता है, और अंधेरा होता है या प्रकाश होता है, प्रकाश हो जाता है। मतलब अंधकार को किसमें बदल दिया उसने, प्रकाश में बदल दिया। वही यहां कभी कह रहे हैं कि दाय ट्रांसम्यूटिंग, मतलब आपका बदलने वाला, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में करने वाला, दाय ट्रांसम्यूटिंग और लैंप एंट्रेंसिंग। आपका जो ट्रांसम्यूटिंग लैंप है वो एंट्रेंसिंग भी है। एंट्रेंसिंग मतलब इस तरह से आकर्षित करने वाला, सम्मोहित करने वाला। आपकी ट्रांसम्यूटिंग लैंप को देखकर या उसकी कल्पना करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मैं उसकी ओर सम्मोहित होता हूं। तो ये दीपक की विशेषता है। ये कभी कह रहे हैं कि आपका दीपक जो है, अब कोई दीपक नाम की कोई वस्तु है नहीं वहां पर, वो उनकी कल्पना है कि आपका जो तरीका है या आपका जो दीपक है वो सम्मोहित करने वाला है, बदलने वाला है। किसको बदलने वाला है, ये आगे कह रहे हैं। और परंतु इस लाइन में उन्होंने आगे बताया कि और दीपक कैसा है, पहली विशेषता ट्रांसम्यूटिंग, दूसरी विशेषता एंट्रेंसिंग, अब तीसरी विशेषता क्या बता रहे हैं दीपक की। दीपक में क्या होता है, एक दीपक होता है उसमें तेल ऑयल होता है, बाती होती है, और क्या होता है, तो कहा वंड्रस आर इट्स रेस, वंड्रस आर इट्स रेस। क्या मतलब है वंड्रस, मतलब फैसिनेटिंग, शानदार, भव्य, एकदम स्पेशल। स्पेशल क्या है, इट्स रेस, इसकी, इट्स मतलब यहां पर इसकी पजेसिव प्रोनाउन, वंड्रस आर इट्स रेस, चमत्कारी, शानदार, भव्य, फैसिनेटिंग, वंडरफुल है इसकी रेस। रेस मतलब क्या होता है, किरणें। आपने सॉन्ग सुना होगा थ्री इडियट मूवी का, कहते हैं ना, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेस, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। आप लोग गा के देखिएगा, सुनिएगा जरूर इसको। तो रेस मतलब क्या है यहां पर, किरणें। आप, मैं आपको गिटार भी दूंगा, मुझे तो नहीं आता, पर आप जरूर बजा के देखना उस पर अगर आपको आती है तो। क्या लिखा है, वंडर्स आर इट्स रेस, आप इस आपके दीपक की, दीपक की बात हो रही है ना, तो आपके दीपक की, आपके लैंप की खासियत क्या है कि वो ट्रांसम्यूटिंग है, वो फैसिनेटिंग है, और वो क्या है, उसकी जो किरणें है वो वंडरफुल है, फैसिनेटिंग किरणें है उसकी। ये बात हुई, ये दो लाइन्स हुई। अब हम चलते हैं आगे और क्या इसमें कहा जा रहा है, चेंज माई डार्कनेस। जैसे एक दीपक चेंज कर देता है, अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है, ऐसे हे भगवान आप अपने दीपक से, आप अपने प्रेम के दीपक से क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहां अंधेरे को कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज माई डार्कनेस। मेरे घर में भगवान अंधेरा लगा है और लाइट जला दो आके, हम तो बहुत आलसी हैं जिससे प्रकाश हो जाए, यहां ये मतलब बिल्कुल नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो यही है कि मेरे चेंज माई डार्कनेस, मेरे अंधेरे को बदल दो। यहां पर जैसे कहते ना, भगवान मेरे जीवन में बहुत अंधकार है, एक नरियल आपके लिए चढ़ा रहे हैं, थोड़ा कुछ कर दो, ऐसे कहते ना, बहुत अंधकार है जीवन में, है ना, अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार है। वही यहां बात की गई है कि चेंज माई डार्कनेस, मेरी कमियों को, मेरी इग्नोरेंस को, मेरी बुराइयों को, डार्कनेस से मतलब इग्नोरेंस, मेरी कमियों को, मेरी बुराइयों को चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट।
अपनी लाइट में बदल लीजिए, अपने प्रकाश में बदल लीजिए, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल लीजिएगा जो मेरी इग्नोरेंस है, जो मेरी डार्कनेस है, ठीक है ना। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब हे भगवान, मेरी डार्कनेस को आप अपनी लाइट में बदल लीजिए। और यही लाइन फिर से कही, ये कविता का स्टाइल है कि चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट, ये तरीका है। तो इतना तो स्पष्ट होगा कि भगवान से निवेदन किया कि मेरे अंधकार को बदल दीजिए, किसमें, अपनी लाइट में। और आगे क्या कह रहे हैं, तो कहा एंड माई ईविल इंटू गुड, माई ईविल, ईविल से यहां क्या मतलब है, वही बुराइयां कमियां, मेरी ईविल को किससे बदल दीजिए, गुड में मतलब अच्छाई में बदल दीजिए। किससे निवेदन किया, भगवान से, कि आप अपने दीपक से मेरी ईविल को किसमें बदल दीजिए, अच्छाई में बदल दीजिए। और क्या कहा है, टच मी व्हाट वंस, टच मी, हे भगवान मुझे छूइए, अपने दीपक की किरणों से ही छू लीजिए, पर मुझे छू लीजिए, टच मी व्हाट वंस, केवल एक बार छू लीजिए भगवान, टच मी व्हाट वंस, इससे क्या हुआ, टच मी व्हाट वंस एंड आई विल चेंज, आपके छूने से मैं चेंज, आई विल चेंज मतलब फ्यूचर वाली बात, मैं बदल जाऊंगा आपके छूने मात्र से, मैं बदल जाऊंगा, एंड ऑल माई क्ले इन टू दैट गोल्ड। ये बहुत खास लाइन है इसकी, All my clay, clay मतलब होती मिट्टी, मिट्टी into that gold मतलब आपके सोने में, तो मेरी मिट्टी को आप अपने सोने में बदल लीजिए। क्या मतलब है, अगर जो मैं, मेरा शरीर है, इसको सोने में बदल दिया जाएगा तो क्या होगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हो जाएंगे आप स्टैचू टाइप से। तो यहां मिट्टी रूपी शरीर को सोने में बदलने से मतलब ये नहीं है कि मैं सोने का बन जाऊं, तो फिर क्या मतलब है, मेरा जो मानव शरीर है ये बना कैसे है, आप जानते हैं पंच महाभूत तत्वों से बना है, आप संस्कृत में या सांख्य दर्शन हम पढ़ेंगे, हमारा शरीर पृथ्वी अग्नि जल तेज वायु आदि से पांच महाभूत जो तत्व इनसे मिलकर बना है। तो कहा ऑल माई क्ले, इन सबको एक मिट्टी के रूप में इन्होंने कहा, तो ऑल माई क्ले मेरे शरीर में जो पंच महाभूत तत्व है इनको ऑल माई क्ले मतलब मेरी मिट्टी मतलब मेरा शरीर को इन टू द गोल्ड आप अपने शरीर सोने में बदल दीजिए, स्वर्ण में बदल दीजिए। यहां स्वर्ण से मतलब सोना नहीं है, और यहां क्ले से मतलब मिट्टी नहीं, ऑल माई क्ले इंटू दाय गोल्ड से मतलब यहां सिस्टम आलंकारिक भाषा है, मतलब मेरे इस मृत्यु मृत शरीर को, मृत शरीर से मतलब क्या है, मेरे इस क्षणभंगुर शरीर को, इस क्षणभंगुर क्या है सर, मतलब अमर नहीं है जो वो, तो मेरे इस मरणशील शरीर को आप क्या बना दीजिए, गोल्ड बना दीजिए। जैसे गोल्ड को आप कैसे भी कर दो, अगर उसकी चेन का आप कुछ और ऑर्नामेंट्स बनाओ तो वो अपने गुण को नहीं खोता, वैसे ही चमकता रहता है। वैसे ही यहां पर कहा है कि हे भगवान मेरी पूरी मिट्टी मतलब मेरे शरीर को आप अपने गोल्ड में बदल दीजिए, मतलब अच्छाई में बदल दीजिए, अमरता में बदल दीजिए, मतलब मरणावस्था से मरण करना ये मानव का एक स्वभाव है कि जन्म हुआ तो मरेगा, तो उससे निकलकर मुझे अमृत की ओर ले जाइए, मुझे अमर बना दीजिए, यहां ये मतलब है। तो चेंज माई डार्कनेस इंटू दाय गुड था, पर यहां था चेंज माई क्ले इंटू दाय गोल्ड, अपने अमृत में समा लीजिए, अमृत में बदल दीजिए। अब इसको अगर नास्तिक व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से सोचेगा कि मेरे पास मिट्टी है उसको सोने में बदल दीजिए, पर जो इस पोएम को समझ रहा है ना, इस पोएम से जुड़ा हुआ है, जिसको भावार्थ को करना चाह रहा है, वो भावार्थ यही करेगा कि मेरी मिट्टी से मतलब मेरे शरीर को सोने से मतलब अमृत में बदल दीजिए, ये मतलब है। आगे की लाइन क्या कह रही देखते हैं, ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, ऑल द सेंस लैम्प्स, ऑल द सेंस लैम्प्स, ये सेंस लैम्प्स क्या होते हैं आपको पता है, आईज नोज ईयर्स स्किन टंग, ये पांच जो होते हैं ना ये सेंस लैम्प्स कहलाते हैं, इनसे आप कुछ चीज ग्रहण करते हैं, आपको पढ़ना है तो आईज का यूज करेंगे, ईयर्स का यूज करेंगे, सूंघना है तो नाक का यूज करेंगे, कुछ चीज अनुभव करनी है तो स्किन का यूज करेंगे, है ना, इन्हीं चीजों से तो ज्ञान लेते हैं। तो ये सेंसेस हैं, जैसे सेंसर होता है ना वैसे ये सेंसेस हैं जिनसे आप कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा ऑल द सेंस लैम्प्स, जो मेरे पांच सेंस लैम्प्स हैं, स्पष्ट हो गए पांच सेंस लैम्प्स कौन से हैं, संस्कृत में तो स्पर्श रसन ग्रहण चक्षु इंद्रिय ये होते हैं, और यही हिंदी में किसी भी भाषा में सेंस लैम्प तो आ ही रहेंगे। तो ये जो सेंस लैम्प्स हैं आई डिड लाइक, मैंने यूज किए थे, मैंने अपने तरीके से इनको प्रयोग किया था, मैंने अपने तरीके से इनको जलाया था,
अब लाइट का, आई डिड लाइट से मतलब है ये नहीं है कि मैंने इनको जला दिया था, अपनी नाक जला ली थी, अपना कान जला लिया था। यहां मतलब है मैंने अपने तरीके से इनको प्रयोग किया था, ऑल द सेंस लैंप आई डिड लाइट, जैसे मैंने और प्रयोग किया था। इससे क्या हुआ, प्रयोग करने से सूटेड इन टू बरीज, ऐसा करने से सूटेड यहां पर एक बर्ड के रूप में है, पर बुक पुस्तक में आपको एक डार्कनेस या कार्बन के रूप में दिया गया है। तो सूटेड इन टू बरीज, जो मेरी पूरी की पूरी डार्कनेस थी वो तो आपने निवेदन किया कि आप उसको बदल दीजिए अच्छाई में, गुड में, पर यहां क्ले को भी क्या कहा, सोने में बदल दीजिए। यहां पर कहा ऑल द सेंस लैंप्स आई डिड लाइट, जो मैंने सेंस लैंप जलाए थे वो सूटेड इन टू बरीज, वो चिंता के अंधकार में व्यस्त हो गए, वो चिंता के अंधकार में डूब गए हैं। सूटेड इन टू बरीज ही इसका भाव है, तो बरीज मतलब चिंता है, तो चिंता एक चिता के जैसे होती है, अगर ज्यादा आदमी टेंशन में आ गया तो मरने के चांस भी रहते हैं। तो कहा मेरी जो सेंस लैंप है, मेरी की पांच शक्तियां हैं जिनसे मैं दुनिया की बातों को जानता हूं, वो सब किसमें सूटेड है, सूटेड इन टू बरीज, अज्ञान रूपी चिंता रूपी अंधकार में डूबी हुई है, कौन, पांचों के पांचों लैंप मेरे। इसलिए क्या करिए, इसलिए हे भगवान सेटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, इसलिए सेटिंग मतलब बैठ करके, कहां बैठ करके, एट द डोर, दरवाजे पर, मतलब भगवान को बुलाकर दरवाजे पर बिठाओगे। कभी की तरीका है अपने अपने बोलने का, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा के डोर दरवाजे पर, सिटिंग मतलब बैठ करके क्या कर दीजिए, लाइट बाय रेसरेक्टिंग लैम्प, जला दीजिए। किसको जला दीजिए, आत्मा के दरवाजे को। पहले तो मुझे ये बताओ, ये आत्मा नाम की चीज आपने कभी देखी, नहीं देखी, उसका गेट देखा कभी, नहीं देखा, कभी का तरीका है भाई। जैसे एक शब्द ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, स्वाभाविक रूप से अपने आप, परंतु कोई बुंदेलखंड का लड़का है तो वो तो यही बोलेगा कि सर हम लोग एक बार जबलपुर जा रहे थे, उसमें एक टकली बैठी हुई थी, तो मैंने बोला ऑटो में टकली, ये अर्थ नहीं निकाल रहे हैं आपको, कभी क्या सोच रहा है वो अर्थ निकाल रहे हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि लाइट बाय रोज एक्टिंग लैंप, कि हे भगवान मैंने जो सेंस लैंप चलाए थे वो तो सब चिंताओं में डूब गए, अंधकार में डूबे हैं चिंता रूपी, आप अपने दीपक को जला दीजिए, लाइट दाय रिसरेक्टिंग लैंप, अपने कृपा बरसाने वाले लैंप को, रिसरेक्टिंग से मतलब एक तरह से रेडिएंट ग्रेस को देने वाले, तो आप अपने कृपा बरसाने वाले लैंप को जला दीजिए। उसके जलने से क्या होगा, मेरी जो आत्मा के ऊपर आप बैठकर उसको जलाएंगे, अब कोई दरवाजा नहीं है आत्मा का, कोई कुछ नहीं है, पर उस पर बैठ, वहां कहने से मतलब है आप मेरे हृदय में आएंगे और मेरे हृदय को प्रकाशित करेंगे। तो आएंगे, कोई व्यक्ति आता है तो दरवाजे पर ही आता है ना, ऐसे ही कल्पना कर दी कि आप हृदय में आएंगे, तो हृदय भी दरवाजा है, वहां से जला दीजिए। पूरी प्रेम का मतलब यही हुआ कि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान गॉड लॉर्ड, जिसको इन्होंने एक लॉर्ड का नाम दिया है, उसको गॉड की जगह लॉर्ड यूज किया है, वो एक शक्ति है, और उनके पास एक प्रेम का दीपक है, जो जिनके जलाने से हमारे हृदय में प्रेम का दीपक जल जाएगा, हमारी कमियां, हमारी बुराइयां, हमारा स्वभाव सब नष्ट होकर के हम अमरत्व की ओर बढ़ेंगे, हमारे अंदर अच्छाइयां आएंगी और हमारी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान का रिसरेक्टिंग लैंप हमारे ऊपर प्रकाश डालेगा। ये इस पोयम का पूरा भावार्थ और मतलब होगा। मेरे ख्याल से आपके एक एक शब्द से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों पर। क्या है पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाने के लिए, तो पहला DISCIPLE, डिसाइपल मतलब एक शिष्य होता है, ठीक है, तो शिष्य की जोड़ी किससे मिलाएंगे, आप पांच ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन दे रहे हैं शिष्य के लिए। अ पर्सन हु बिलीव्स, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है इन किसी पर एंड फॉलो द रूल ऑफ द पर्सन, सीधी सीधी बात है, जैसे मैं आपकी क्लास में टीचर हूं तो आप किसके रूल्स मानेंगे, मेरे रूल्स मानेंगे ना, तो एक इसका मतलब एक शिष्य छात्र जो किसी एक धारणाओं को या किसी एक व्यक्ति के सिद्धांतों को फॉलो करता है, तो इसकी जो पेयर बनेगा वो अंतिम से बनेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, सोल, सोल मतलब क्या है, शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, पर वो नहीं होगी तो शरीर काम नहीं करेगा, दैट इज स्पिरिट, तो सोल की जोड़ी बनेगी, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन इससे बनेगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, वरीज, वरीज का मीनिंग मैं बता चुका हूं, तो आप लोग स्वयं जोड़ी बनाइएगा, और आप बनेगा वन रस का मीनिंग भी बता चुका हूं, फैसिनेटिंग, ये सारी चीजें आप कर लेंगे। ये तो हुआ हमारा सही जोड़ी वाला पोर्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे के क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है,
कुछ शब्दों को आपको एंटोनिम देने हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में भी एक नंबर में या दो नंबर में आ जाता है। तो एंटोनिम बनाना, सरोनिम बनाना आप सीखिएगा। एक और बात बता दूं, आप सोचें कि हम ग्रामर पूरी क्लियर कर लेंगे इससे सब कुछ होगा। ग्रामर तब तक आपको याद नहीं होगी, उसके रूल्स तब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होंगे जब तक उसके रूल्स को आप अपने जीवन में या कहानियों से उनको लिंक नहीं करेंगे। आप अपने क्लास की कहानी से उसको लिंक करेंगे तो आपको वो नियम याद हो जाएगा। आप लोग छठवीं या चौथी पांचवीं से टेंस और एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं पर अभी भी आपको लगता है सर हमसे ये नहीं बनता या वो नहीं बनता। कारण क्या है? रूल्स को किसी ना किसी चीज से लिंक करेंगे अपने जीवन में या कहीं जा रहे हैं तो इंग्लिश में सोचेंगे तो आपको वो रूल्स जल्दी याद हो जाएंगे। इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो आइए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? एंटोनिम बताना है। तो लाइट का एंटोनिम क्या है भाई? सिंपल सी बात है, लाइट का एंटोनिम डार्कनेस होगा। एक्सटर्नल का इंटर क्या होगा? आंतरिक का होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब आंतरिक। नेक्स्ट क्या है? सीनियर का होगा, जूनियर और ईविल का होगा। गुड, पुस्तक में दिया है ईविल का। गुड, ये हुए एंटोनिम सिनोनिम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोयम। कभी का मीनिंग क्या है इन माय हाउस से, मतलब क्या है? तो इन माय हाउस द मीन, अब आप लोग को कुछ इस आंसर को आपको रटना नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये लिख सकते हैं, इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट, या फिर हाउस इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट, या इन माय सोल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे पुस्तक में हार्ट है तो आपको हार्ट से समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं, इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट, दैट्स ऑल। अब क्या दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। जो स्पीकर है मतलब जो कवि है, जो बोलने वाला है, व्हाट डज द स्पीकर, वो स्पीकर जो है वांट, व्हाट डज द स्पीकर वांट, जो स्पीकर है वो क्या चाहता है? द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, भगवान से वो क्या चाहता है कि सबसे पहले वो ये करें। What does the speaker want the Lord? भगवान से स्पीकर क्या चाहता है कि वो क्या करें, सबसे पहले क्या करें? एट द फर्स्ट मतलब सबसे पहले क्या करें। तो आपको बताएं, आपने पोयम समझी, आप खुद सोचिए हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होगा, इस हिंदी में इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले यही था कि लाइट द लैम्प ऑफ डायलॉग, यही था सबसे पहले, वो यही कहना चाह रहा है कभी। तो आप उनको कुछ नहीं लिखना है, हमको सीधा लिखना है The poet, the speaker wants the Lord to do at first that light the lamp of thy love. ये आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा लिख सकते हैं light the lamp of thy love, the poet wants it. हो गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या, What kind of lamp is it in the poem? अब जो lamp है जिसको आप एक केवल lamp समझ रहे हैं, क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस poem का कि किस टाइप का lamp की बात की गई है पोयम में, किस टाइप के लैंप की बात की गई इस पोयम में। तो आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम। डार्कनेस का स्टैंड फॉर मतलब डार्कनेस का मीनिंग यहां पर क्या है? तो आपको पहले ही बता दिया था, डार्कनेस मतलब है इग्नोरेंस, डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस, मतलब इस पोयम में डार्कनेस से मतलब क्या है? तो इग्नोरेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं और मैं आपसे अगली क्लास में क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं कि आपने कितने याद किए और क्या किया। आज के लिए धन्यवाद।